हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जिसमें हम अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, अपनी उम्र बताइए। तो यहाँ पर आपको अपनी उम्र लिखनी है, 12 वर्ष 13 वर्ष जो भी हो आपकी। उसके बाद कॉपी में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल के लिखेंगे, क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं। तो हाँ बिल्कुल, इसका आंसर आप लिखेंगे हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या आप अपने जन्म से 2000 वर्ष पहले के लोगों के बारे में बता सकते हैं कि वे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से खेल खेलते थे, किस तरह के घरों में रहते हैं इत्यादि। तो एग्जैक्ट इस बात को बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नहीं। ओके बच्चों, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अतीत की जानकारी हमें निम्न तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें पुराने समय के बारे में जानना है तो हमें कैसे उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तो सबसे पहला तरीका होता है बच्चों पांडुलिपि, ठीक है, जो इस तरह की दिखती है। अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाले शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है। यह लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ से। तो पांडुलिपि किसे कहा जाता है बच्चों, जो पुस्तक हाथ से लिखी जाती है उसे पांडुलिपि कहा जाता है, और ये जो है इंग्लिश में मेनुस्क्रिप्ट कहा जाता है, और ये लैटिन शब्द मेनू से मिलकर बना हुआ है, और मेनू का मतलब ही होता है हाथ से, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पांडुलिपि क्या होती है, तो हाथ से लिखी गई पुस्तक को हम पांडुलिपि कहते हैं। और जो पांडुलिपि होती है बच्चों, वो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, ठीक है। पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि जैसे विषयों की जानकारी मिलती है। तो पांडुलिपि में हमें राजाओं के बारे में जानने के लिए मिलता है, औषधियों के बारे में, विज्ञान के बारे में, बहुत सारे विषयों के बारे में जानने के लिए मिलता है, ओके। उसके बाद आता है अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण खुदवाए गए थे। तो इस तरह से पत्थर जैसा होता है बच्चों, गीली मिट्टी, और उसके ऊपर लिखा जाता है, और उसके बाद जब वो सूख जाता है तो बिल्कुल उस पर लिखी गई चीज़ें परमानेंट हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों को हम अभिलेख कहते हैं। कभी कभी जो शासक यानी जो राजा हुआ करता था, वो अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सके। तो वो अपने आदेशों, यहाँ पर आदेशों होगा, ठीक है, तो वो अपने आदेशों को या फिर अपने लड़ाइयों को, उन सारी चीज़ों को इसके ऊपर लिखवाया करते थे। राजाओं और के अलावा अन्य लोगों ने भी अपने कार्य को अभिलेख पर उत्कीर्ण करवाते थे। तो राजा और रानी के अलावा भी जो दूसरे लोग होते थे, वो बहुत सारी कार्यों को, बहुत सारी चीज़ों को अभिलेखों के ऊपर लिखवाया करते थे। उसके बाद आता है अवशेष और मूर्तियाँ इस तरह के, ठीक है, जिससे हमें पुराने समय के बारे में जानने के लिए मिलता है। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुएँ, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष तथा मूर्तियाँ पत्थर, मिट्टी तथा धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों से यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते हैं। तो जब भी खुदाई होती है बच्चों, तो उसमें से जो भी चीज़ें मिलती है उससे हमें पता चलता है कि पुराने लोग कैसे रहा करते थे, क्या इस्तेमाल करते थे, क्या खाते थे, ठीक है। जैसे कि जानवरों की, चिड़िया की या मछलियों की अगर हड्डी मिलती है तो हमें पता चलता है कि पुराने समय में लोग क्या चीज़ें खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले वे रूप में बचे रहते हैं, ठीक है। तो वनस्पति वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो तो हमें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो अवशेष होता है वो मिट्टी में दब जाता है। लेकिन कभी कभार अन्न के दाने या लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं वो जलने के बाद भी उसके जो अवशेष होते हैं यानी उसका जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो हमें मिलता है। उसके बाद है पुरातत्वविद किसे कहते हैं। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। जो पुरानी वस्तुओं को लेकर खोजबीन करते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। अब क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी। तो आप इसका आंसर लिखोगे, पांडुलिपि को ताड़पत्रों अथवा भूज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर हाथों से लिखा जाता था, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन है, शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे? तो आप इसका आंसर लिखोगे, जो शासक होते थे, राजा होते थे, वो अपने आदेशों तथा लड़ाइयों के विवरण के लिए अभिलेख बनवाते थे, ठीक है। वो उसी के ऊपर अपनी सारे आदेश लिख दिया करते थे, लड़ाई जहाँ जहाँ भी उन्होंने जिसके साथ भी लड़ाई करवाई अक्सर वो उसका विवरण भी लिखा करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता है? तो आप इसका आंसर यहीं से लिख देना, ठीक है। ये थर्ड का आंसर, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।